तो संचार का क्या अर्थ है कि अपनी बात को, अपने संदेश को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना। हो सकता है वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारा मित्र हो सकता है कि वो तुम्हारे गांव में ही रहता हो सकता है वो दूर गांव में रहता हो, किसी दूसरे शहर में रहता हो, दूसरे देश में रहता हो। अगर आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, उसे अपनी बात कोई वहां पहुंचाना चाहते हो, तो किसके माध्यम से पहुंचाओगे? संचार के साधन के द्वारा। जिन जिन माध्यमों से तुम अपनी बात दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो, वो सभी संचार के साधन कहलाते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, टीवी क्या होती है? प्रधानमंत्री जी अपनी कोई बात तुम तक पहुंचाना चाहते तो किस पर बोलते हैं? टीवी पर। रेडियो, इंटरनेट, अखबार, चिट्ठी, ये सभी क्या है? संचार के साधन। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को कोई बात अगर जनता से कहनी है तो वो क्या करेंगे? अखबार को अपना, अखबार के माध्यम से अपनी बात तुम तक पहुंचा देंगे। तो ये सभी संचार के साधन कहलाते हैं, जिनके माध्यम से लोग अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं।